आखिर श्री कृष्ण ने क्यों दिया था संपूर्ण नारी जाति को इतना भयंकर श्राप, जिसकी वजह से संपूर्ण नारी जाति को आज भी मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और क्या आप जानते हैं कि संपूर्ण नारी जाति को एक ऐसा श्राप भी मिला है जिसकी वजह से नारी जाति किसी भी बात को अपने पेट में नहीं रख सकती। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दोस्तों, महाभारत और रामायण काल में ऐसे बहुत से प्रलयकारी श्राप दिए गए थे जिनका असर आज भी मनुष्य पर दिखाई देता है। और ऐसे ही कुछ श्राप नारी जाति को भी दिए गए थे जिनका असर आज कलयुग में भी नारी जाति पर दिखाई देता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नारी जाति के भयंकर और पीड़ादायक श्रापों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नारी जाति को ये श्राप क्यों मिला है कि उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती है। दोस्तों, ये श्राप महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने सभी नारी जाति को दिया था। इस श्राप की कहानी कुछ इस प्रकार है। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण का वध कर दिया था, अंगराज कर्ण का वध होने के बाद माता कुंती ने कर्ण की मृत्यु पर दुखी होते हुए अपने पांचों पुत्रों यानी पांचों पांडवों को बताया था कि कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं है बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई है यानी तुम्हारा ज्येष्ठ है। और माता कुंती ने पांचों पांडवों को कर्ण के जन्म की कथा भी सुनाई थी कि किस तरीके से माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था और अपने कुंवारे बन में बस सूर्य का बीज मंत्र का जाप करके सूर्य को प्रसन्न किया और सूर्य को आने तक मजबूर कर दिया। सूर्य को मजबूर करके अपने पास बुलाया और उनके तप से कर्ण का जन्म हुआ था। ऐसी मजबूरी में आकर कर्ण को पानी में बहा दिया गया था। जब इस सत्य को सभी पांडवों ने जाना तो पांचों पांडवों को बहुत ज्यादा दुख हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को जानकर बहुत क्रोधित हुए और युधिष्ठिर जी अपनी माता कुंती पर क्रोध करते हुए बोले कि मैया, आपने हमसे कैसा अनर्थ करवा दिया है। अगर आपने हमें ये बात पहले बता दी होती तो हम कभी भी अपने ज्येष्ठ भ्राता से युद्ध नहीं करते। इस बात को लेकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी माता पर क्रोध करते हुए समस्त नारी जाति को एक श्राप दे दिया कि आज के बाद नारी जाति के मुख में नारी जाति के पेट में कभी भी कोई बात नहीं छुपेगी। नारी जाति को भयंकर से भयंकर भी बात बता दी जाए तो उसको भी वो उगल देगी। इस तरीके का श्राप युधिष्ठिर ने नारी जाति को दिया था। उसके बाद आज तक नारी जाति अपने पेट में किसी बात को नहीं छुपा सकी। अब आता है दूसरा श्राप। नारी जाति को भोगनी होगी मासिक धर्म की पीड़ा। महिलाओं को हर महीने में 5 दिन का मासिक धर्म होता है और इससे उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा भी होती है। ये पीड़ा भी नारी जाति को एक श्राप के रूप में मिली हुई है। भागवत पुराण के अनुसार इस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से क्रोधित हो गए थे और इसी का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपना स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तभी इस समस्या का समाधान करते हुए ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि तुम्हें किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए जिससे तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें वापस मिल सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए देवराज इंद्र ने एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा शुरू कर दी थी, लेकिन इस बात से इंद्रदेव बिल्कुल अनजान थे कि जिस ब्रह्म ज्ञानी की वो पूजा और सेवा कर रहे हैं उनकी माता एक असुर थी। उस ब्रह्म ज्ञानी की माता के दिल में हमेशा असुरों के लिए हमदर्दी होती थी और देवताओं से बड़ी नफरत किया करती थी। जो भी पूजा पाठ की देवताओं की सामग्री थी वो सभी सामग्री असुरों को समर्पित हो रही थी। जब देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञात हुआ तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी जिसकी वो सेवा कर रहे थे। इसी की वजह से देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया जो कि एक असुर के रूप में देवराज इंद्र के पीछे पड़ गया था। अब इस पाप से छुटकारा पाने के लिए देवराज इंद्र ने अपने आप को एक फूल के अंदर छुपा लिया था और 1,00,000 वर्ष तक देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को उस असुर से बचाया था और भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को इस पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय बताए थे। तब देवराज इंद्र से भगवान विष्णु ने कहा कि इस पाप के अंश को आपको 4 भागों में बांटना होगा। पेड़, पानी, पृथ्वी और स्त्री, इन चारों को अंश मात्र में आपको बांटना होगा। तब देवराज इंद्र ने इन चारों को बुलाकर इनसे अनुरोध किया
तब ये चारों राजी हो जाते हैं। पानी, पेड़, पृथ्वी और स्त्री चारों मान जाते हैं और अपने लिए एक एक वरदान की कामना करते हैं। तब इंद्र ने पेड़ को वरदान दिया कि वो अपने आप को कभी भी किसी भी स्थिति में जीवित कर सकता है। पानी को ये वरदान मिला कि वो किसी भी वस्तु को अच्छी तरह स्वच्छ, शुद्ध और साफ कर सकता है। पृथ्वी को ये वरदान मिला कि पृथ्वी के अंदर कैसा भी गड्ढा हो वो अपने आप भर जाएगा, कैसे भी चोट हो वो अपने आप भर जाएगी। और अंत में स्त्री यानी नारी जाति को मासिक धर्म की पीड़ा मिली। इस मासिक धर्म की पीड़ा के साथ इंद्र ने नारी जाति को ये वरदान दिया कि जब भी स्त्री मर्दों के साथ मिलन करेगी तो इसका आनंद उन्हें दो गुना ज्यादा मिलेगा। ये एक ऐसा वरदान है जो नारी जाति को मिला है। इसी वजह से नारी जाति को हर महीने मासिक धर्म होता है और ये बड़ा पीड़ादायक होता है।